حقانيت اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله العالمين سبحان من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى اله وعلى اله ذريات وزوجه وصحابه اولياء امه اجمعين كما صلى وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد देखिए مرشد کا کیا حکم ہے پائے کی نماز पाँच की वजीफा जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी के लिए दुआ करें अल्लाह हलाल रिज खाने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें नहीं तो कह देगा हिंदुस्तान में सूद जायज है। अल्लाह एक रसूल एक कुरान एक शरीयत एक चार चीज बनाया अल्लाह ताला ने, चार चीज में एक चीज भी कम है उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। आपका मुर्शिद क्या कहता है ये ऐसी मजलिस है, मैं हाफिज साहब किबला बोलते थे कि ऐसी मजलिस है जिसमें जिब्रील अलैहि सलाम आते, ये हक है। चाहे जितना भी तुम फड़फड़ा लो कोई बात नहीं है, मुर्शिद का हुक्म है। यहाँ से फरिश्ता जाता है मेरे भाई, अल्लाह ताला सवाल करता है अरे फरिश्ता तुम कहाँ से आ रहे हो, कहा कि ए अल्लाह मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ तेरी तस्बीह बयान हो रही थी, कुछ सूरे पढ़े जा रहे थे, मौत को याद कर रहे थे। कहा कि उन लोगों ने हमको देखा, कहा कि ए अल्लाह देख ले तो क्या बात है, कहा कि ए फरिश्ता तुम गवाह रहना उस मजलिस में जितने लोग बैठे हैं मैंने सारे के गुनाह को माफ कर दिया। क्या गलत कहा मुझसे, पार्टी बना के चल जीवो कुछ न मिली, सुन्नतो जाई नफिलो जाई आप फरोजो जाई डेरा तोड़ो ही कुल चल जाई जेबो तो खाली बस्ता लेके जेबो। यही एक मजलिस है जो कि पूरा पूरी हक है, कहता है हलाल खाइए, पहले वजू करिए दो रिकात नफिल नमाज पढ़िए तब मजलिस में बैठिए, ये हक है। आज देख लें हमारा मुर्शिद भी या नबी सलाम अलैहि का पढ़ता है, आप अपने मोबाइल में देखें, देख के तब कहें हम भी पढ़ते हैं। 12 बजे रात को शुरू होता है और फजर की नमाज तक चलता है, उस वक्त तो हम लोग सोए रहते हैं ना। आज सवेरे लेके झंडा चल दिया रोड पर, मेरे भाई कहाँ हो तो चला देखिए गांव से कितना जाता कितना सुन्नी बा, मैं तुम सुन्नी तो ये लोग क्या है, नहीं नमाज पढ़ने वाला क्या है, नहीं सुन्नत सुन्नत को पूरा पूरी अमल किया मुर्शिद, और अपने मुर्शिद अपने मरीज को भी कहा कि तुम उस पर अमल करो। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह की तरह कौन आलिम था पूरी दुनिया में, है कोई आलिम ऐसा नहीं गुजरा है आज तक। मुर्शिद ने क्या कहा मुख्तसर में सुन लें, मुर्शिद ने क्या कहा अरे मौलाना इदरीस, कहा कि जी हजूर आप तो आलिम हो हम तो जाहिल हैं। हकानी दरू शरीफ अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद वा आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम सवाल उन्हें से इतना माल है ना वरमी है ना मोहम्मद मोहाली वहर में तो लाइन जरी हनुमान मानुष सामी होली है आयुम मते इनमें हमारे चले इस रूम में मारे देवर हिम तला से इतना इब्राहिम वहर आने से इतना इब्राहिम मैं न कह मैं तो मने बात कैसे बनेगी। कहा हजूर मुरीद होई चाहे जैसे बने, कहा कि एक मेरा हुक्म है, कहा कि 100 कहा ना एक थे, कहा तुम जितना इलिम हो ना सब ताक पर रख दो, यहाँ इलिम लेके पैकेट में घूमता लोग तेरे इलिम यही रह जाएगी, चल जीव खाली सुनबो तो चल जीव, मरीज नहीं मानता है वही बात करता है जो दूसरा कर रहा है, मान जाओ मरीज के माने जाते हैं बिकना, अगर वो अपने आप बॉडी को बेचा नहीं तो जान लो कि वो मुरीद नहीं है। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह करके दिखा रहे हैं, मौलाना क्या कहा अरे मौलाना जितना इलिम है ना सब ताक पर रख दे तब तो समझौता, वरना खानकाह से गेट आउट बाहर।
यहाँ तक कि 10-15 मिनट गुजर गया, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह सोच रहे हैं ए अल्लाह ये जिंदगी की कमाई कहाँ रखूँ, बात समझ में नहीं आती, मुर्शिद की बात है अब क्या करें, ऐसे ही सोचने में देर हो जाता है। मुर्शिद ने क्या कहा, ए मौलाना टाइम 3 मिनट वरना खानकाह से कान पकड़ के भगा दिए जाओगे। उसके बाद मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, हजूर मैंने सारे इल्म को ताक पर रख दिया। कहा कि ऐ मौलाना 70 बरस की इबादत 7 मिनट में तय कर लिया, कितना बड़ा मर्तबा दे के भेजा, आज हम लोग उस पर भी समझौता नहीं है, अब का बाकी बा, अब तो हो बाकी बा कि जीजो बकुलिया अमर जो बकुलिया वही बाकी है। नहीं मेरे भाई, मुर्शिद दुआ करते हैं इलाही रहमत याद कर तमाम आलम पर, ले यार तुम भी करके आना, ले के नहीं गए दे के गए, ले लो, ऐसा नहीं मजलिस मिलेगा। पार्टी तो बहुत मिली, फिरका बहुत मिली, 73 फिरके होंगे और एक ही फिरका जन्नती है, एक ही फिरका जन्नती है, वो फिरका वो है जिसके अंदर हसद न हो, बोध न हो, कीना न हो, आपके मर्जी में पढ़ा जाता है लेकिन हम लोग सुनते नहीं है, सोए रहते हैं। हाँ, देख ले मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद से क्या कह रहे हैं, मेरे भाई कहाँ हजूर हम जाएंगे अजमेर। कहा कि हाँ तुम्हारे खानदान वाले हैं, मुर्शिद तो जान रहा है तू ये फड़फड़ा तड़ ना, देखा मुर्शिद क्या कह रहा है। कहा कि है मौलाना इदरीस, कहा जी हजूर, पहले मेरा सिजरा लिख दो, सिजरा लिख दे, सारे जितना दुनिया में औलिया अल्लाह थे सारे की हाजिरी शुरू कर दिया। मुर्शिद अपने मरीज को दिखा रहा है, ये देख ले ये दुनिया में औलिया इतने हैं, सारे की हाजिरी शुरू हो गई, सारे के सिजरा लिखना शुरू हो गया, यहाँ तक कि ख्वाजा साहब का नंबर आ गया। मुर्शिद ने अजमेर से बागमारी को जोड़ दिया, मेरे भाई कितना बड़ा करम है मुर्शिद का, अपने मुर्शिद मरीद को दिखा रहा है, एक प्रैक्टिकल है दिखा रहा है कि देख ले। उसके बाद जो है मुर्शिद ने क्या कहा, अहे मौलाना ऊपर मत देखना, बात बन देख लो ऊपर मत, नहीं से मकसद रह लो, ऊपर मत देखना, तिरछी निगाह देखा और सिजरा लिख दिया। उसके बाद यहाँ तक कि मक्का के इमाम का नंबर आ गया और मुर्शिद ने मक्का से बागमारी को जोड़ दिया। नहीं ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है मेरे भाई, जोड़ देता है यहाँ तक कि मक्का के इमाम का नंबर आ गया। अब उसके बाद सिजरा लिखने में देर हो जाता है, कहते हैं कि मौलाना इदरीस देर हो गया, कहा कि हजूर इनके आने में देर हो गया इसलिए मुझे लिखने में देर हो गया। कहा कि नज़र उठाओ देखो इनको, देखते हैं, कहा कि ये कौन है, कहा कि ये मक्का के इमाम है। सारे को दिखा दिया मुर्शिद अपने मुरीद को। उसके बाद जो है जाने लगते हैं, असर या मगरिब का वक्त हो रहा था। कहा कि नमाज कहाँ पढ़ेंगे, कहा कि एक पैर यहाँ और दूसरा पैर खाना काबा की सर जमीन पर होगा, यही इनकी सवारी है। नहीं? देख ले मुर्शिद। अब उसके बाद मुर्शिद ने कहा, अरे मौलाना इदरीस जाओगे अजमेर, कहा कि अब का जाए भाई देख लेनी तो जाई वहाँ पत्थर देखे। मुर्शिद ने सारे की हाजिरी अपने मरीज को करके दिखा रहा है, मेरे भाई कहाँ जाएंगे, कोई बात नहीं बनेगी, नमाजो जाई वजीफो जाई आ कुल चल जाई, कहीं ना कहीं मिस फॉल्ट हो होए के बा, कहें कि सूद साजे बा, इंटरेस्टो साथ बा, लोनो साथ बा, ये 3 चीज साथ रही तब पे होके मिली। कहीं भी देख लो नजर उठा के देख लें, यहाँ तक कि इमाम भी उसमें इन्वॉल्व है, मेरे भाई बताओ उसके पीछे नमाज कैसे होगी, सूद खेबो तो नमाज पढ़ेबो तो कैसा लगी, तू जेबो पिछवा ल जाई ऊ लगे जी तोरा ऊपर, इसलिए आप उसकी इत्तबा करें मेरे मुर्शिद। मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, दुआ करें
आज देख ले हाजी हज करने के लिए जाता है मेरे भाई, हज करके चलता है वहां से, तो ऐसे भेजता है अल्लाह ताला जो कि आज ही अपनी माँ के सिकम से पैदा हुआ, यानी हर चीज गुनाह से पाक साफ करके भेजता है, लेकिन आके दुनिया में भूल जाता है मेरे भाई। अब तेरे लिए कुछ नहीं है, नमाज मस्जिद कुरान घर इतने करे के वहाँ लेके चल जाए के वहाँ। एक मरीज जाता है मुर्शिद के यहाँ, सूफिया जान गाछी रहमतुल्लाह अलैह थे, हकानी दरूस है, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى العالمين سواء من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى مثل ذريات وجوان وصحابه وعلي أمة أجمعين كما صلى وسلم تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مريض جاتا ہے مرشد کے ہاں صوفیہ جان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ تھے, कहा कि हजूर क्या नाम है हकानी दरस इब्राहिम मजीद जाता है, कहता कह रहा है मरीज हजूर हम जाएंगे, आज मेरा फ्लाइट है 4 बजे दमदम से मेरा फ्लाइट है। कहा कि हाँ, कहने के ठीक है जाना, तो एक तो मिट्टी का ठेला ले लेना, बंगाल के केहू के पैकेट में खोजबो तो मिलेगा, हम लोग नहीं रखते हैं, मुर्शिद का हुक्म है। वो मत देखा कि आ गए तैमूम बरखा, तू ही अपने के रख का मसला मुर्शिद बता दिया है, देखने जा रहे हैं। कहे कि एक मिट्टी का ढेला ले लेना मौलाना, तो हंसते हैं मुस्कुराते हैं, आ ले लेना बच जाएगा तो तेरा, ले लेगा तो उसका। अब ओके केले गैला मुख्तसर में जहाज उड़ गई, 1 या 2 घंटा चला, असर का वक्त हो गया, आ जहाज का पानी खत्म हो गया, परेशान ही मौलाना। कहा तो नमाज कजा हो जाएगी मौलाना, हुआ कजा हो जाएगी, मिट्टी का ढेला निकालते हैं, निकाल के रोना शुरू कर दिया, इतना रोया कि उसकी हिचकी बन गई, लगा कि टाइम चला जाएगा, जल्दी जल्दी टाइम मुंग किया, बगल वाला हाजी क्या कहा, ए हाजी हमको भी दे दे, बगल वाला हाजी क्या कह रहा है, ए हाजी हमको भी दे दे, बगल वाला क्या कहा, ए हाजी हमको भी दे दे, सारे के नमाज को मुर्शिद ने तयम्मुम के जरिए बचा दिया, वरना कजा हो जाता तो उसका बहुत बड़ा सजा भुगतना पड़ता। मौलाना साहब मुख्तसर में हज करके वापस आते हैं, जाते हैं मुर्शिद से मुलाकात के लिए, मुर्शिद को देखते हैं बस रोना शुरू कर दिया, रोते हैं, मुर्शिद सवाल करते हैं, अः मौलाना क्या बात है, हज नहीं हुआ, अरकान छूट गया, रो रहे हैं। बहुत देर के बाद कहते हैं हजूर मेरा मुर्शिद जहाज के पानी को देखता है। कहा कि आज समझे हो मौलाना, मुर्शिद दिल की बात को जानता है, हक है, फिरका बना के जितना कोनो फायदा नहीं खे, 72 फिरके 73 फिरके होंगे और एक ही फिरका जन्नती है, आप फैसला कर दे। मुर्शिद दुआ करते हैं इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर, और तुम भी लो दुआ करके आना, इसलिए आप उसकी इत्तबा करें। ए अल्लाह जो मेरे मुर्शिद ने मुझे वजीफा दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, दुआ करें। ए अल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली जिंदगी अता फरमा दे, जो मेरे मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ए अल्लाह उसको तू भी नमाजी बना दे। दुआ नहीं कर सकते, दुआ करे खातिर हथवे नहीं खेलता, थक देता, इससे थक जा रहा है। इमाम साहब कह तुम है दुआ करो तो इमाम साहब हाथ उठैले बना, हम मुअज्जिन साहब से सूतत हूँ, देखल गई बा, जिसने एक बार आमीन कहा उसका अल्लाह ताला 10 गुना माफ कर देता है, 10 दर्जा बुलंद कर देता है। एक ठो और है, 3 चीज दिया, ये हक है, वो तीनों चीज हम लोग छोड़ देते हैं। एक बार मौलाना साहब ने क्या कहा, एक बार आमीन कहेगा तो क्या तो कहें मौलाना साहब ना,
दब्बो माने खातिर हमन को तैयार नहीं जा। आज आलिम 40 दिन में आलिम हो जा रहा है ना, 40 दिन में आलिम मार पापड़ बेले लगता टाए टाए। ओके पहले तो दाढ़िया से समझौता नहीं कर, पहले तुम दाढ़ी रखना सीखो, पहले तुम दाढ़ी रखना सीखो, दाढ़ी में कैंची मत लगा, लगा देगा ना तेरे पीछे नमाज समझना समझना पड़ जाएगा, नमाज समझना पड़ जाएगा। एक मुट्ठी होए के चाहिए, काट के सटैले मत जा, बढ़े के चाहिए कि घटी, दाढ़ी बढ़ी। अब तो मौलानो साहब लोग आप ये जी लोग काटता काटता लोग जनादन नहीं खे देखत लोग कि हमारे पीछे केहू बा, हमन का जाही नहीं जा। ठीक बा, तू तो पढ़ल हो न, कम से कम उसका तो अमल करो मेरे भाई। नहीं दाढ़ी के सटैले जाता सटैले जाता, अरे बढ़ी तो का हुई भाई, बढ़ा ले तो ना कि दूसर देखे तो ऊपर रोब गाली होके कि ना ये जा रहा है मुसलमान, मुसलमान का पहचान क्या है। आज तो पता नहीं किसका लोग कह के दाढ़ी रखते हैं, एक तो दाढ़ी भी रखा खेवा भी दिया और बह गया, काहे के नाम रख लो बचवा, वैसे ही रख ले तो सवाब मिले, नाम रख ले तो वो अजाबों में शामिल ना नहीं। इसलिए आप उसको मानी नमाज, बूढ़ा हो गया इंसान। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, हकानी दरुद शरीफ, अल्लाहुम्म दरुद शरीफ मारे गलाम गरीब मोहम्मद अलैहिस्सलाम में सवाल में से नमाज़ ना نبی انا محمد مرے علی میں نے بتنا جریات بن وان جو صاحبی اولیاء امت اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم دمار اکدمان حمدالہ سیدنا ابراہیم وعلا علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک مولانا صاحب بول کے گئے یہاں، بتائے جس مولانا کو داڑھی کا مرتبہ نہیں معلوم ہے اس کی اتباع کرتے ہیں سارے لوگ، بہت بڑا مولانا ہے، دور मौलाना है दाढ़ी का मरतबा ही ना मन कहे कि दाढ़ी के हजारी बक का जंगल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उसके ऊपर लानत डाले, लानत पिटाई वाला खूब, लेकिन माने ना बेचारा मत, अपना आदत से मजबूर बाबू। और सारे लोग उसकी तकरीर सुनते हैं, जरा मोबाइल में देखब तो मिली करा के, अरे गदहा देख ले। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होते थे, उनको एक ही दाढ़ी का बाल था, नहा लेते तो घंटों कंघी करते, एक दाढ़ी के बाल को क्या कंघी करना है मेरे, खूब कंघी करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो मुस्कुराते हैं, जब सहाबी पहुंच जाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के हंसते। ऐसे ही दो तीन दिन हुआ, सहाबी को समझ में आया कि लगता है खराब लग रहा है, उस दाढ़ी के बाल को काट दिया, काट के फेंक दो। अब उसके बाद जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरे अनवर घुमा लिया। सारे सहाबी परेशान हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए जाए कि मुझसे कौन सी गलती हुई, तूने एक दाढ़ी के बाल को काट दिया। कहा कि आप हंसते मुस्कुराते थे इसलिए मैं समझा कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने काट दिया। कहा कि मैं इसलिए हंसता मुस्कुराता था कि तुम्हारे एक दाढ़ी के बाल में जन्नत की 70 हूरे झूला झूल रही ना, काट के ले जाके मोरी में डाल दलो, खूब काटो, जितना काटो लोगों ने काट के उनके चिकन कर दो, घोटी निकलवा दो कि जम्बे ना करे ना। वो आई मानी ना आई, अल्लाह के लाई में मानेगा नहीं, ये आएगा अपने टाइम पे, उसको आने दीजिए बाहर, पूरा एक मुट्ठी हुई तब भी तुरा पीछे नमाज हुई, नहीं तो सोचे के हो जिन कैची लगेब तो सोचे ताली बिली में तो चल जाएगा, चल जाएगा, नहीं उसके बाद नहीं चलेगा, आगे बाहर तो हिसाब से ना रहो तो तुहरा पीछे नमाज सोचे के हो जी। इसलिए आप उसको माने पूरा पूरी दाढ़ी के साथ समझो क्या करें, हक्कानी दरुद शरीफ, अल्लाहुम्म दरुद शरीफ मारे गलाम करीम मोहम्मद अलैहिस्सलाम में सवाइन में सैयदना मौलाना हरबीना मोहम्मद मरारी
एक मौलाना साहेब मौलाना देवबंदी साहेब रहमतुल्लाह अलैह थे, वहाँ कोई फिरका नहीं है, सारे वहाँ लोग रखते हैं। हम लोग बाहर आके देखते हैं तो हाउ बटो उच्चर टुपी तीछा टुपी ना, वहाँ ना सब बराबर, मुर्शिद भी नीचे बैठा, यहाँ तक कुर्सी चाहे गनलप वाला, हाँ तनी पिछो ठीक वाला रखिए कि आदमी देख के कुर्सी पर बैठ के तकरीर करब, कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ब, तो कैसन बात बा नहीं? अगर वो हक है तो बताएं, तकरीर करने से छोड़ो हो जाएगा कि आप अच्छा हैं नहीं? देख लें मुर्शिद कह रहे हैं मौलाना देवबंदी साहेब रहमतुल्लाह अलैह से कि अरे मौलाना आप तो आलिम हो। मौलाना देवबंदी साहेब रहमतुल्लाह अलैह कुछ नहीं बोलते हैं, मौलाना आप तो आलिम हो। कहा कि हाँ जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते थे, करके दिखा दे। मौलाना साहेब परेशान हैं, मुर्शिद की बात है मेरे भाई, ले जाके हाउस पर दोनों लोग बैठ जाते हैं। कहा कि है मौलाना बनाओ, नहीं बनाते। मुर्शिद शुरू करता है वजू बनाना, बहुत हाथ धुलते थे तब से मौलाना साहेब बेहोश हो गए ना, छीटा मारा। मुर्शिद का वजू कंप्लीट करते करते मौलाना साहेब 3 बार बेहोश हुए। उसके बाद जो है हम जब मुर्शिद का वजू पूरा हो जाता है, मुर्शिद सवाल करते हैं अरे मौलाना तूने क्या देखा? कहा कि आपके बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। नहीं ये हक है, ये हक है मेरे भाई, ये प्रैक्टिकल है हक्कानी अंजुमन का। आप कहीं जाएंगे सिवाय फिरका का कोई बात नहीं करेगा। आप देख लें सारे लोग उसी में इन्वॉल्व हैं, हैं नमाज कुरान वजीफा। आज हमारे नौजवान बच्चे नौजवान साथी खाली मोबाइल में लगे हैं मेरे भाई। ये माँ का जो है सिकम बोल रहा है, बार माँ का सिकम बोल रहा है, क्योंकि माँ ने चलाया टीवी चलाया मोबाइल को चलाया, वो पेट में नस्ल है उसी तरह उसकी अंगुली चल रही है, जिस तरह उसकी माँ चलाई है उसी तरह उसका अंगुली चल रहा है मेरे भाई। आज हम कहते हैं कि मेरा लड़का बहुत तेज बा हजरत, हाँ ना भाई लड़का माई का कुल काम करता, ये जान लो। और नस्ल बाहर आई अपना शुरू कर दिया, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि मोबाइल का मुंह केहर बा होकर पीछा केहर बा लड़का टन टन डाल देता ना, इसलिए आप उसको भी ख्याल करें। ठीक है मोबाइल चलाओ नमाज पढ़ो, मोबाइल चलाओ कुरान पढ़ो, मोबाइल चलाओ माँ बाप की खिदमत करो करो। आपने कहा ए बेटा नमाज पढ़ ले, मोबाइल दिया 50,000, 60,000, 1,00,000, 1.5 लाख, मेरा ही ना नस्ल हो कहता है बाबा मोबाइल चाहिए। हाँ बेटा ले, लेकिन नमाज पढ़। कहा आपने? नहीं कहा। हमारा ना साहब भी बोल के गए, नहीं कहा आपने? एक माँ जो है अपने औलाद को कह रही है हे बेटा तू नमाज तो पढ़ ले। कहा कि है माँ नमाज नमाज क्या करती है, नमाज पढ़ने से पैसा मिलेगा क्या? कहा कि हाँ पढ़ो पहले इंशाल्लाह पैसा भी मिलेगा। अब ऐसे ही जब वो वजू बनाते उनकी माँ मुसल्ला बिछाती उसके नीचे पैसा रख देती, पैसा रख देती। ऐसे ही बहुत दिन सिलसिला चला। एक रोज मगरिब का वक्त हो गया, उनको आने में देर हो जाता है, तो क्या नाम है उनकी माँ ने नमाज, अब वो बाहर से आते हैं जल्दी जल्दी वजू किया और मुसल्ला बिछाया और खड़े हो गए। उनकी माँ ने क्या कहा, ए अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, ए अल्लाह हिदायत देना तेरा काम है। जब नमाज पढ़ के फारिग हुए मुसल्ला को जब उठाते हैं तो मुसल्ला के नीचे सारे पैसे भरे हुए थे। उन्होंने क्या कहा, ये माँ ये हमें नहीं चाहिए, जिसमें अल्लाह राजी उसमें हम भी राजी, तब तो कामयाबी वरना खाली।
इसलिए अपने माँ बाप की इत्तबा करें, दुआ करें। नहीं है मैं माँ बाप की खिदमत करने वाली जिंदगी अता फरमा दे। जो माँ बाप को मा करके जन्नत न पाले उसके ऊपर खुदा की लानत। मैं नहीं, जिसको माँ बाप मिल जाए उसका बहुत बड़ा नसीब है। इतना खिदमत करा कि हाथ उठा दे तो जिंदगी संवर जाए। अगर नाराज हो जाए तो अल्लाह का अर्श हिल जाए, अर्श हिल जाएगा मेरे भाई। आज देख ले मोबाइल का जमाना है, बगल से माँ गुजर जाए, बाप गुजर जाए, भाई गुजर जाए, तू देखला हमारा के हमन के पते नहीं के चल गए। नहीं, इसलिए आप उसको ख्याल करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उसी में भलाई है। नमाज पढ़ें उसी में भलाई है, मुर्शिद का हुक्म माने उसी में भलाई है। देख ले मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म मान लिया, कितना बड़ा मर्तबा दे के दुनिया से भेज दिया, जो कि करम नासा की रवानी को बदल दिया। नहीं नहीं, वजीफा पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, उनकी तरह आलिम कौन था। आज तयली चंदा फांदा फंसा के चल जाइए, हमारे हाफी जी बोलत रहो, बोलत रहो, देरा थोड़ो रहो, फंसाई चल जाए। अपने तो जाएंगे सनम, और दूसरे को भी ले जाएंगे। यही है, यही है। देख ले, लोग कहते हैं ना भाई जी बुस्तामी रहमतुल्ला अलैह के यहाँ चार तरीके के उलमा गए, हमारे हाफी जी बोलते थे चार तरीके के उलमा गए। बहुत सारी चीज, बहुत सारी बातें हुई। एक आदमी, एक मौलाना साहब ने कहा, हाँ हजूर मिलाद के बारे में आपका क्या ख्याल है। कहा कि खामोश, अपने हुजरे मुबारक को 6 घंटा धोया, एक चौकी रख दिया, उस चौकी से आवाज आई कि तुम मेरे नवासे को तकलीफ देते हो। उन्होंने क्या कहा, फलाने अपने सलामों का जवाब पूछ लो, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, अपने सवालों का जवाब पूछ लो, अस्सलाम अलैकुम या नबी अल्लाह, तुम अपने सवालों का जवाब पूछ लो, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, अपने सवालों का जवाब पूछ लो। अगर एक खासियत है तो तुम तो मिलाद पढ़ सकते हो, वरना फंसा दी हो। हमारे हाफी जी बोलत बोलत 26 साल 24 दिनों ठेहुनिया गिल बोल के, एक को बात का हमन अमल ना करिए, कहनी हजरते न बड़ो, हम उनका सोचनी कि हजरते घर में के ना बड़ो, घर से निकल के चल गिन जा, अस्सलाम वालेकुम करके चले गए। इसलिए सब अपना अपने मुर्शिद की इत्तबा करें, उसी में भलाई है। मेरे मुर्शिद ने जो कह दिया नमाज कुरान वजीफा, उतना ही पर आप अमल करें। हक्कानी दर से اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد سبحان من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى بيت الله ذريات وأزواج وصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد مؤذن صاحب نكحة حقاني مسجد حقاني درس देखिए मौत को याद करने का करीना बनाया मुर्शिद ने। अल्लाह ताला ने इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के आते हैं, कहते हैं बुलावा है, कहा कि अभी हम नहीं जाएंगे, मेरा अभी बहुत टाइम है। कहा कि ना बुलावा आगे वाह। अब उसके बाद जो है वापस चले जाते हैं इजराइल अलैहिस्सलाम, कहते हैं अल्लाह ताला से कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे से कहा, अल्लाह ताला कहा कि कह देना जानवर के जिस्म पर हाथ रखेगा, जितने बाल सड़ जाएंगे उसकी उतनी ही उम्र बढ़ा दी जाएगी। आके बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ इजराइल, इसके बाद तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा आखिर फना तकाना तब ले चलो ना पढ़वो, पढ़ लो मान जा, यही में भलाई हो और कुछ ना हो। खूब नमाज पढ़ो, वजीफा पढ़ो, कुरान पढ़ो, हम माई बाबा का खिदमत करो, खूब जाके हौर जोतो,
काम कर हव काम कर कमा नौकरी कर चल जीव विदेश चले माई मारी माई के लहंगा धक्का मार दी चल जी कुल अरे रह जी विदेश से जितना विदेश जाओगे विदेश से रह जाएगा। माँ बाप जब कह दे उसी में राजी। एक एक अल्लाह के दोस्त से बढ़ता हुआ जा रहा है, कहा कि ये माँ हमको तुम इजाजत दे देती तो मैं जाता कहीं जंगल में इबादत करता। कहा कि ये बेटा तेरा जन्नत तो घर में है। कहा कि बहुत इसरार किया बहुत। कहा कि ठीक है जाओ लेकिन तुम्हारा जन्नत घर में है। जाके 12 साल रहे जंगल में, पूरा जंगल को क्या नाम है कोड़ के सफेद कर देना, एक को ना मिलल। अला घरे 12 बजे रात को दरवाजा खटखटाते हैं, उनकी माँ ने क्या कहा कौन कहा कि आपका बेटा। जाके खोलती हैं, कहा कि ए बेटा तुम्हें मिला। कहा कि ना माँ सादा मिला। उनकी माँ वजू की और 2 रिकात नमाज नफिल पढ़ के अपनी औलाद के लिए दुआ किया। दुआ खत्म हुआ, सवाल करती है जो भी दुआ किया वो सवाल करती है ए बेटा तुम्हें मिला। कहा कि हाँ माँ हमको मिल गया। कितना मिनट लगा? 2 से 5 मिनट में सारा चीज उनकी माँ ने उनको दे दिया। आज हम लोग माँ बाप से समझौता नहीं करते हैं, माँ बाप को मार दिया धक्का दे दिया। क्या क्या तो लोग कहते हैं तुम हमको जन्म दिया। कुल बहुत आवेला बहुत आवेला। एक माँ जो है एक औलाद अपनी माँ को अपने पीठ पर लाद के 25 हज कराए मेरे भाई, 25 ठो पीठ पर लाद के। उसके माँ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरा मेरे माँ से हक अदा हो गया क्या। कहा कि तूने क्या कहा क्या किया। कहा कि मैंने 25 हज कराया अपने पीठ पर लाद करके। कहा कि जब जो तुम पैदा हुआ जो तुम पैदा हुआ जो तुम्हारी माँ को दर्द हुआ वो तुम सिला नहीं दे सकता है तो तुमको 25 हज कराने से क्या होगा। उसका सिला नहीं दे सकता जिसमें माँ बाप राजी है, जान लो कि वही कामयाबी है। हकानी दरुस है اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم من سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأجمعين وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صلى وسلم وبارك على إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.